हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे सूजी और कोकोनट की पेड़ा। पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी, ग्रेटेड किए हुए कोकोनट, थोड़े से आलमंड, दो इलायची, हाफ कप मिल्क पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, हाफ कप शुगर और हाफ ग्लास मिल्क। अब हम सूजी और कोकोनट की पेड़ा बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस के ऊपर पैन बिठा कर उसे अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे सूजी, सूजी को हमें अच्छी तरह से भूनना है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर सूजी को भून रही हूँ। सूजी को अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कोकोनट। अब हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। कोकोनट और सूजी अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शुगर, उसके बाद डालेंगे मिल्क, डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद डाल देंगे मिल्क पाउडर, डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और सूजी को हमें 2 से 3 मिनट तक गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसे पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद देखिए सूजी कितना सूखा बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे घी, अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसके पेड़ा बनाएंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम इसके पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से हाथों में छोटा सा डो लेंगे, हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसको ऐसे राउंड शेप में गोलाकार रूप दे देंगे। ये हमारा पेड़ा बनकर रेडी है।
इसी प्रोसेस में हमें सारी पेड़ा बना लेना है। इसी प्रोसेस में हमें सारे पेड़ा बना लेना है। ये हमारी पेड़ा बन चुकी है। इसके ऊपर मैंने आलमंड से डेकोरेट कर लिया है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।